हेलो एवरीवन, तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक नायरा का डिस्प्ले रखा हुआ है, तो हम आपको आज बताएंगे कि नायरा के डिस्प्ले पे रेट चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे फ़ोन में सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम वाईफाई ऑन करें। प्लीज़ ऑन द वाईफाई। तो जैसे ही वाईफाई शुरू होता है, हम टोटेम नाम का एक वाईफाई सर्च करेंगे। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि एक टोटेम PT1 नाम का वाईफाई दिख रहा है। सो PT1 स्टैंड्स फॉर पेट्रोल। ये होता है सामने का पेट्रोल का डिस्प्ले। अगर आपको बैक साइड का पेट्रोल का डिस्प्ले का रेट चेंज करना है तो वहाँ पे PT2 आएगा। सिमिलरली अगर डीजल का रेट चेंज करना है फ्रंट साइड का तो DS1 आएगा, और पीछे का अगर चेंज करना है तो DS2 आएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी टोटेम PT1 पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हम लोगों को फ्रंट साइड का पेट्रोल का डिस्प्ले का रेट चेंज करना है। तो जैसे ही हम उस वाईफाई पे क्लिक करते हैं, हमको एक पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा, जिसका पासवर्ड रहेगा NairaRPDU। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको NairaRPDU हमने पासवर्ड डाला है। इसका मतलब ये होता है कि ये नायरा का रेट एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले यूनिट है, ठीक है। तो NairaRPDU इज़ द पासवर्ड, प्लीज़ एंटर द पासवर्ड। ओके, अब जैसे देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने पासवर्ड डाल लिया, वहाँ पे हमारा फ़ोन ने इस डिस्प्ले को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सेटिंग्स के बाहर आ जाएंगे और गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोगों ने गूगल क्रोम खोला, हम कोशिश करेंगे कि हम इस डिस्प्ले को कनेक्ट कर पाए, जिसके लिए हम लोगों को एक एड्रेस डालना पड़ेगा, जिसका एड्रेस है 192.168.4.1। जैसे हम एड्रेस डालते हैं और एंटर करते हैं, तो हम लोगों को करिए प्लीज़ एंटर, तो हम लोगों को एक स्क्रीन दिखेगी, जिसमें आपको दिखाई जाएगा कि ये NairaRPDU का रेट चेंजिंग का स्क्रीन आएगा, जहाँ पे आप एक कोई डेट डाल सकते हैं, टाइम डाल सकते हैं, और पेट्रोल का एक कोई रेट डाल सकते हैं जो आपको एक्चुअली डिस्प्ले पे दिखाना है। तो हम पहले चलते हैं डेट चेंज करने के लिए। तो हम डेट जैसे सिलेक्ट करते हैं, हम लोगों को करंट डेट सेट से कर सकते हैं। सिमिलरली टाइम के लिए हम करंट टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसी टाइम से वो रेट दिखाना है हमारे डिस्प्ले पे। और पेट्रोल का एक रेट डालते हैं, जैसे इमेजिन करते हैं कि आज का पेट्रोल का रेट है 120.02, तो हम लोग वो डाल के देखेंगे। और इसको हम सबमिट कर देंगे। जैसे हम लोग सबमिट करते हैं, आपने देखा होगा कि जो पीछे का डिस्प्ले था वो थोड़ा सा फ्लैश हुआ है, और इमिजिएटली आपको दिखेगा कि पेट्रोल का रेट 120.02 पे सेट हो गया है। सो इसी तरह हम लोगों को बाकी डिस्प्लेस का भी रेट चेंज करना है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको कहीं पे भी दिक्कत जाती है तो आप प्लीज़ हमारे कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 7666901714। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 7666901714। थैंक यू फ्रॉम इनोट्रॉनिक्स लैब्स।